तो इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रही है, जो कि हिमाचल से, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से ये जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 26 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत का ऐलान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी से 20 मार्च तक इस बार बजट सत्र चलेगा। आपको ये भी बता दें कि 6 मार्च को हिमाचल का बजट पेश किया जाएगा और हिमाचल के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर इस बजट को पेश करेंगे। तो हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 26 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी और ये बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। और आपको ये भी बता दें कि 6 मार्च को हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया जाएगा और मुखिया जयराम ठाकुर इस बजट को पेश करेंगे, क्योंकि वित्त विभाग हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर के पास है और इसी बीच वो 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। तो 26 फरवरी से 20 मार्च तक इस बार का बजट सत्र चलेगा और 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। इस बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, इस खबर को लेकर के आपके पास और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अगर बजट सत्र की बात करें तो इस बार 16 बैठकें जो हैं वो होनी हैं और ऐसी जानकारी जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विपिन परमार, उन्होंने आज ये साझा की है मीडिया के साथ। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट सत्र तो होगा लेकिन इस बार अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हम सबके बीच में ही है, तो कहीं ना कहीं अब जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पूरी तरह से पालन जो है विधानसभा परिसर के जो अपने कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तो करना होगा, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं जो कि सुरक्षा में तैनात होंगे खास तौर पर उनको करना होगा। और यही नहीं, जो लोग यानी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो सचिवालय के अधिकारी हैं, वो बिना थर्मल स्कैनिंग के उनको एंट्री जो है वो नहीं होगी। और विधानसभा परिसर के अंदर आने के लिए 5 प्रवेश द्वार हैं, पांचों के पांचों प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो हर आने जाने वाले जी विकास, जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जाएगा। और 16 जो बैठे हैं इस दौरान है, ठीक इससे पहले 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक वो बुलाई गई है और जिसकी अध्यक्षता जो है वो खुद विधानसभा स्पीकर जो है वो करते हैं और ऐसे में इस बार भी वो होगी। और 25 फरवरी को ये अपील की जाएगी खासतौर पर, ये आज विपिन परमार ने साझा की है जानकारी। उन्होंने कहा है कि अपील यही रहेगी कि सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है आप इस सदन की कार्यवाही को चलाएं, क्योंकि जनता के कई अहम मुद्दे जो हैं वो रहते हैं जिनको लेकर प्रतिनिधि जनता प्रतिनिधि जो है वो सदन के भीतर पहुंचते हैं, तो ऐसे में कहीं भी मुद्दे छूट ना जाए तक इन तमाम चीजों को लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष से अपील इसी चीज को लेकर की जा रही है कि आप एक दूसरे के सवालों का जवाब दें और साथ में सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बनाए रखें। किसी भी तरह की अगर, क्योंकि हम देखा है लगातार कि हिमाचल प्रदेश में 3 सत्र हो गया है, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी सदन के भीतर करता है, सदन के बाहर भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जो है वॉकआउट जैसी गंभीर समस्या से जूझ जाते हैं जिससे कि जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठा पाते लोग। तो ऐसे में अब 26 तारीख को सत्र का आगाज होना है, 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जी विकास, और 26 मार्च तक जो है वो ये चलेगा, 26 फरवरी से इसका आगाज होने जा रहा है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा और 6 मार्च को बजट सत्र पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा सीएम जयराम।